अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग किस्म के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके के फ़ोटोज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के फ़ोटोज़ बनाना चाहते हैं और इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अगर आप भी अमेजिंग किस्म के फोटोज़ बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्टोरी मेकर। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अमेजिंग किस्म के फोटोज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है, जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट में है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ से भी आपने जो भी अच्छी लगती है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने ये प्लस वाला जो बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपके जो मोबाइल की गैलरी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपने जो भी फोटो लगानी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर जो टिक वाला बटन है आपने जहाँ से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपका जो फोटो है वो इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं अपनी फोटो पे तो यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आपने वो डाल लेना है और उसके बाद आपने दोबारा से ये टिक वाला जो बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फोटो थी वो इस तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों अगर आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं या कोई भी टेक्स्ट ऐसा लिखना चाहते हैं अपनी फोटो पे तो यहाँ पे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है आपने जैसे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक पेंसिल वाला आइकन मिल रहा है, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने ये टिक वाला जो बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने टेक्स्ट को जहाँ भी सेट करना है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने नीचे वाला जो टेक्स्ट है आपने इस पर भी क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करके जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो ये फ्रेम बना हुआ है तो आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दरमियान में एक बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। दोस्तों आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कलर चेंज करने के बाद आपने टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद अगर आप कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टिकर वाला बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स होंगे वो आ जाएंगे, आपने उस पर क्लिक करके तो स्टिकर को सिलेक्ट करके आपने दोस्तों जहाँ भी स्टिकर लगाना है आपने वहाँ पे स्टिकर लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अपनी फोटो को बना सकते हैं। अगर आप फोटो को सेव करना चाहते हैं तो फोटो को सेव कैसे करेंगे, आपको एक कोने में बटन मिलता है डाउनलोड वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो भी क्वालिटी आपने चूज करनी है वो यहाँ से चूज करनी है। जैसा कि यहाँ से मैं मीडियम पर क्लिक करता हूँ, मीडियम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपका जो फोटो है ये सेव हो जाएगा। तो अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो ये फोटो जो है ये आपके मोबाइल में सेव हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अमेजिंग किस्म का फोटोज बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टेम्पलेट मिल जाती है। जो भी आपने फोटो पे अप्लाई करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर लें। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की एप्लीकेशन है, लाजमी से ट्राई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।